मोदी सरनेम मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार शाम को बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। ये मुलाकात दिल्ली में लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती के घर पर हुई थी। खबर है कि मुलाकात के दौरान लालू यादव ने राहुल गांधी को चंपारण मटन बनाकर खिलाया। इतना ही नहीं, लालू ने राहुल को इसकी रेसिपी भी बताई। लालू यादव के हाथ का बना बिहार का स्पेशल मटन खाकर राहुल गांधी ने इसकी खूब तारीफ भी की। बता दें कि मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद कांग्रेस का जोश हाई है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र की जीत बता रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय पहुंच प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बाद राहुल लालू यादव से मिलने के लिए पहुंचे। लालू यादव ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। बाद में दोनों नेताओं ने डिनर भी किया। एबीपी ने दावा किया है कि राहुल गांधी की टीम ने इसका एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, जिसे बाद में जारी किया जाएगा। वहीं राहुल गांधी को लालू के हाथ का बना मटन काफी पसंद आया, वे इसकी तारीफ करते हुए नजर आए। बता दें कि चंपारण मटन को हांडी मटन भी कहते हैं। इसे मिट्टी के बर्तन में खास तरीके से पकाया जाता है। चंपारण क्षेत्र का ये व्यंजन देश और दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मीडिया खबरों के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी और लालू यादव ने एक बैठक भी की, जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार और इंडिया गठबंधन को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि बीते डेढ़ महीने में राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की ये तीसरी मुलाकात है। इससे पहले दोनों नेता पटना और बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में मिल चुके हैं। लालू और राहुल की इस मुलाकात को कई मायनों में खास माना जा रहा है। इसी महीने इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होनी है, जिसमें गठबंधन के संयोजक के नाम का फैसला भी होना है। बता दें कि मोदी सरनेम मानहानि मामले में शीर्ष अदालत से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी के लोकसभा सदस्य के रूप में बहाली का रास्ता खुल गया है। कांग्रेस ने राहुल को संसद सदस्य के रूप में बहाल करने की मांग शुरू कर दी है।